बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। न्यू अपडेट्स, मक्के के महंगे होटलों में कमरों का किराया गैर मामूली कम। सऊदी अरब में उम्रा सीज़न में मक्के के होटलों के किराए गैर मामूली हद तक कम कर दिए गए हैं। कुछ इलाकों में कमरों का किराया 38 सऊदी रियाल $10 से भी कम हो गया है। मक्के में मस्जिदुल हराम के मुकम्मल नज़ारे वाले 5-स्टार होटल बड़ी रियायत की पेशकश से अपनी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू करने और होटल इंडस्ट्री में मामूल की बहाली के लिए तैयार हो रहे हैं। सऊदी अरब का मुकद्दस शहर मक्का 1400 से ज़्यादा होटलों पर मुश्तमिल है, जो पूरे मुल्क में रहाइश के शोबों का 2/3 से ज़्यादा है। मक्के में होटलों के वो कमरे जो साल भर में सबसे ज़्यादा कीमतों के लिए जाने जाते थे और मसरूफ़ सीज़न में तकरीबन 3 दुगना कीमत पर दस्तयाब होते हैं, इस वक्त मस्जिद हराम के करीब इन कमरों की कीमत 250 से 700 सऊदी रियाल के दरमियान है। सऊदी वज़ीर हज व उमरा डॉक्टर मोहम्मद सालेह बंतन ने एक ट्वीट के ज़रिए मक्का के इन होटलों की तरफ तवज्जो दिलाई जो कोरोना की वबा के दौरान इस इम्तहान को बर्दाश्त कर चुके हैं। डॉक्टर मोहम्मद सालेह बंतन ने मक्के के होटलों की तरफ पेश की जाने वाली हैरत अंगेज पेशकश पर इजहार तशक्कुर और खुशी का इजहार किया और इन महफूज माहौल के तौर पर बयान किया जो सेहत की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हैं। मक्के चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होटल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला फलाली ने अरब न्यूज़ को बताया कि कुछ होटलों के ज़रिए ऐलान करदा तरगीबात के इस शोबे को बहाल करने का बतरीज ज़रिया है। इन्होंने कहा कि कीमतों का तयन परेशान हाल सनत के लिए बतरीज तरक्की पसंद वापसी की मकसद शुरुआत हैं। इन्होंने कहा कि कीमतें रोज़गार के हजम की अक्कासी नहीं करती जो वबा के बाद निचली सतह पर आ गए हैं। इन्होंने कहा कि तमाम होटलों को अपने मुलाजमीन को रखने और इनके दस्तावेज़ात को दुरुस्त करने के लिए रियासती अमदाद का सहारा लेना पड़ा है। मक्का चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में होटलों कमेटी के चेयरमैन ने मज़ीद कहा कि सिर्फ 4 सेंट्रल होटलों में बहाली का काम शुरू हुआ है और रिहाइश के शोबों की बहाली 2 अक्टूबर 2021 तक जारी रहेगी। सेंट्रल मक्का में एक होटल के मैनेजर फोडरल मंकल ने कहा है कि ज़ायरीन की हिफाजत और इनकी खिदमात के लिए रियासती कोशिशें वाज़ेह हैं। इन्होंने मज़ीद कहा कि उम्रा की बहाली के इकदामात सेहत और एहतियाती तदाबीर के मुताबिक थे और हम सेहत और हिफाजत के तहफ़ुज़ को यकीनी बनाएंगे। मंकल ने कहा कि सऊदी ममलिकत मुख्तलिफ कौमियत के ज़ायरीन की यकीन दहानी और तैयारी की आला सतह पर पहुँचने की कोशिश कर रही है, जो मनसूबे के तीसरे मरहले के आगाज़ के साथ ही हासिल किया जाएगा। ये रिहाइश के शोबों की असल वापसी की निशानदेही करेगा और ज़ायरीन को मरबूत रूहानी और सियाहत का तजर्बा करने के काबिल बनाएगा। इन्होंने मज़ीद कहा कि ममलिकत ने हज और उम्रे के दौरान ज़ायरीन की हिफाजत के लिए एक इकदाम के तौर पर माशी बहबूद की कुर्बानी दी है। फोडल मनकल ने कहा है कि सऊदी अरब में दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन की अमदाद के आमद के साथ एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए होटलों की मदद करने की सलाहियत है। इन्होंने मज़ीद कहा कि मक्का के अहम तारीखी अजायब घरों के अलावा इस्लामी मकामात भी मुहैया करता है। हरम मक्की लाइब्रेरी ने ज़ायरीन का इस्तकबाल करने के लिए 16 से ज़्यादा इकदाम का आगाज़ किया है। सख्त समाजी दूरी के इकदाम के दरमियान लाइब्रेरी में 1 घंटे के दौरान 30 अफराद को अंदर जाने की इजाज़त होगी। हरम मक्का लाइब्रेरी का रकबा 1000 मरबा मीटर पर मुहित है और इसमें 30,000 किताबें और 5,600 अनुवाद हैं। ये थी अपडेट्स। अपना ख्याल रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। शुक्रिया।